Audio Jungle. मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र अनुसार संगठन की मांगों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रांतीय शाखा द्वारा रतलाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान कई बार मांग के निराकरण करने के लिए स्मरण पत्र भी दिए गए, परंतु खेद का विषय है कि मध्य प्रदेश के सफाई कामगारों की मांग का उच्च स्तर पर निराकरण नहीं होने से प्रदेश के सफाई कामगार वाल्मीकि समाज में निराश के साथ ही असंतोष उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मजबूर होकर प्रदेश संगठन द्वारा प्रदेश के सफाई कामगारों की वाजिब मांगों के समर्थन में रतलाम शहर शाखा द्वारा प्रांतीय आह्वान पर संलग्न मांग पत्र के समर्थन में पुनः ज्ञापन के माध्यम से मांगों का निराकरण करने का आग्रह किया गया। द्वारा मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी की मांगों को लेकर सभी जगह एक साथ 52 जिलों में आज अपने मांग पत्र को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं और हमारे सफाई कामगारों की जो मूल समस्या है, जो विनियमित किए गए कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उनको स्थायी करने की बात है, अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता देने की बात है और आवास जो हमारे मकान भी हैं उनकी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वाल्मीकि सफाई कामगारों को भी आवास बनाकर दिए जाने की बात है। बदली कर्मचारी जो हमारे यहाँ रतलाम नगर निगम में तो करीबन 450-350 सब गैंग कर्मचारी उनको नियमित करने की बात है और अन्य समस्या है। इसलिए हमारे सफाई कर्मचारी मध्य प्रदेश सफाई मजदूर कांग्रेस के माध्यम से आज से ज्ञापन दे करके फिर और जो मध्य प्रदेश का जो निर्देश है हमारे मंगललाल जी झांझोड़ प्रदेश अध्यक्ष है उनके निर्देश अनुसार आगामी आंदोलन किया जाएगा। आज हम जिलाधीश महोदय को माननीय कमलनाथ जी के नाम से ज्ञापन देने आए हैं और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री राजप्रसाद जी को भी हमने ज्ञापन दिया है और नगर के जो विधायक है चेतन कश्यप जी को भी हम यहाँ से जाने के बाद ज्ञापन दे रहे हैं और हमारे सांसद दामोर जी को भी ज्ञापन देंगे और प्रभारी मंत्री सचिन यादव जी को भी ज्ञापन देंगे और महापौर कमिश्नर सभी को हमने ज्ञापन दिया है। मैं रतलाम शहर से अखिल भारतीय सभा कांग्रेस अध्यक्ष कमल भाटी वाल्मीकि। रतलाम से सुल्तान काजी की रिपोर्ट।